जैसे कि एजाज हम सब जानते हैं बिग बॉस फिलहाल बहुत धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है, आपको फिलहाल अभी तक कौन सा कंटेस्टेंट लग रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं? अभी तक तो कोई नहीं है, आई मीन आई एम नॉट वॉचिंग फुल एपिसोड, बट वॉट एवर जो चीज़ें सामने आ रही है उससे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बिकॉज लोग ये सी लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, लड़ाई झगड़ों से बिग बॉस में कुछ नहीं होने वाला है, पीपल वॉन्ट एंटरटेनमेंट, वो मिसिंग है, जब तक वो मिसिंग है इज फिनिश। जहाँ तक एजाज मैं आपकी बात करूँ तो बिग बॉस 7 में अगर एक मस्ती का माहौल जो आप क्रिएट करते थे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ खान साहब करके, तो वो ऑडियंस को बड़ा मज़ा आता था वो देखने में, लेकिन अभी वो मस्ती जो है धीरे धीरे मस्ती तो नहीं पर अननेसेसरी की फाइट्स क्रिएट करते हुए लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन दीपक का नाम थोड़ा बहुत सामने आ रहा है कि वो मस्ती कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सुमड़ी में घुमड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं या वो जेन्युइनली वैसे हैं? मैंने एक्चुअली मैं बोला ना देखा नहीं, लेकिन अगर वो है तो अच्छी बात है, और एंटरटेन करेंगे तो 100% एंड तक रहेंगे, और नेगेटिविटी नहीं चलेगी, पॉजिटिविटी ही चलेगी 100%। मैं यही कहूँगा कि एंटरटेन करोगे तो ही बिग बॉस का घर है, प्लॉट मत करना, प्लॉटिंग मत करना, बिचिंग मत करो, बिकॉज एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू, दैट्स इट। एजाज अगर मैं बात करूं खान साहब की, जैसे आपके सीज़न में गौहर खान थी जो कि जेन्युइनली बहुत एज अ कंटेस्टेंट भी बहुत अच्छी थी और बॉन्डिंग भी आपकी उनकी बहुत अच्छी थी, इस बार के कंटेस्टेंट्स में से खान साहब नहीं बट दो खान सिस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं इन नेगेटिव टर्म्स ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत लड़ती हैं, हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, गौहर का 10% भी कर दिया तो ये दोनों एंड तक रह जाएंगे, 10% भी अगर गौहर की तरह इन्होंने किया, फालतू में लड़ाई करके, फालतू में चिल्ला के, फालतू में वानोबीज है ना सब, इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेलिब्रिटी और वानोबी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तो ये सब वानोबीज है, गौहर सेलिब्रिटी थी, वो अलग खान सिस्टर थी, ये अलग खान सिस्टर है, और खान लोगों की रिस्पेक्ट रखो, लड़की को अपने दायरे में रहेगी तो लड़की ज़्यादा अच्छी लगती, उसी गौहर को तो लोग परेशान करते थे तब भी वो चुप करके हंस के चली जाती थी, बिकॉज दैट्स द वे, जीतना है तो खाली बर्तन होते वही बचते रहते, भरे हुए बर्तनों में आवाज़ नहीं आती।